फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है दो बड़ी अपडेट, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो निगेटिव अपडेट है उसको पूरा हाईलाइट किया जा रहा है और जो पॉजिटिव खबर है उसको दबाया जा रहा है। और ये हमेशा होता है, जब भी यस बैंक में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो जल्द से जल्द उसको दबा दिया जाता है या उसके बारे में नुक्स निकाले जाते हैं, लेकिन जो निगेटिव न्यूज है उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। इस तरह से लगातार ये काफ़ी समय से हो रहा है और इस वजह से यस बैंक में कभी भी तेजी नहीं बन पाती है, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज है वो बहुत जल्द दब जाती है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो दोनों न्यूज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ सकता है यस बैंक पे। यस बैंक जो लगातार अपना जो कारोबार कर रही है, जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही है, क्या इन न्यूज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी यहाँ पे यस बैंक में वैल्यूबल बाइंग भी हो रही है। लगातार अच्छे बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार इसमें से अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो डरा दिया गया है। और ये बात बिल्कुल साबित होती है कि हर बार जब भी कोई न्यूज़ बनती है निगेटिव, तो उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया जाता है और उस वजह से माहौल बिगड़ता है। जो न्यूज़ है वो इतनी कोई बड़ी निगेटिव नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो क्या है वो न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे और क्या इस समय हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इस समय अगर यस बैंक में हम निवेश करते हो तो आने वाले समय में क्या अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से यस बैंक लगातार मजबूत होते जा रही है, क्या ये आने वाले समय में मल्टी बैंक रिटर्न दे सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 13.25 पर, हाई बनाई 13.45 की, लो है 13.25 का और एंड में 13.25 पर कल की ही क्लोजिंग पर क्लोजिंग आई है। न इसमें गिरावट है न बढ़त है। तो जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन यहाँ पे जो तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है एक निगेटिव न्यूज, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बीएससी के वॉल्यूम को देख लेते हैं। 1,19,73,000 का वॉल्यूम और सामने 52,62,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 43.95%। अगर बात करें एनएससी की तो 7,24,44,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,97,26,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 41.03%। तो दोनों एक्सचेंज में ठीक ठाक कामकाज हुआ है, यानी कल जितना वॉल्यूम था उतना आज भी हुआ है और उस वॉल्यूम के बीच में अच्छी खासी वैल्यूबल डिलीवरी भी उठाई जा रही है। बड़े फंड हाउस लगातार इसमें अच्छा अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो कल और आज एक जैसे ही वॉल्यूम हुआ है। और जो ये निगेटिव जो न्यूज है वो निकल कर आई है डिश टीवी से। डिश टीवी ने यस बैंक की जो मांग थी ईजीएम बुलाने की, उसको खारिज कर दिया है, डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो मामला है यस बैंक की 25.93% की मेजोरिटी होल्डिंग है यस बैंक की डिश टीवी के अंदर, तो वो चाहते हैं कि टीवी का जो मैनेजमेंट है, जिसमें उनके डायरेक्टर जवाहरलाल गोयल जो सुभाष चंद्रा के भाई है, साथ में जो उनके दूसरे बोर्ड मेंबर है सदस्य, उनको वो हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के हितों में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और वो चाहते हैं यस बैंक की ये सारा मैनेजमेंट हट जाए। बैंक की तरफ से इनको कहा गया था कि आप ईजीएम बुला ले और ईजीएम के माध्यम से ये पूरे बोर्ड मेंबर को चेंज किया जाए। डिश टीवी की तरफ से उसको वापस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि यस बैंक की जो मांग है उसको हम नहीं मानेंगे और इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस मांग को। ये जो इसके पीछे जो बेस बनाया गया है डिश टीवी की तरफ से, उनका कहना है कि यस बैंक एक बैंकिंग कंपनी है और इनको जो शेयर मिले वो गिरवी शेयर है इनके पास थे, उनको इन्होंने कब्जे में लिया है, क्योंकि डिश टीवी के ऊपर यस बैंक का कर्जा था और वो कर्ज नहीं चुकाने की वजह से इन्होंने उन गिरवी शेयरों को अपने नाम पे कर लिया है। और इस वजह से जो बैंकिंग एक्ट बना हुआ है 1949 का, साथ में जो सेबी के रूल्स है, उसके हिसाब से कोई भी बैंक पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है कंपनी पे और वो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से बोर्ड के अंदर चेंज नहीं कर सकता, ऐसा रूल्स है। ये यस बैंक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो इस तरह से ईजीएम बुलाने के लिए हमें कहे। साथ में उन्होंने कहा कि यस बैंक को सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से परमिशन लेनी होगी बोर्ड मेंबर को हटवाने के लिए, तो पहले वो करे यस बैंक और उसके बाद में हम विचार करें। और दूसरी तरफ ये उनका कहना है कि उनको गिरवी शेयर मिले, जो 3,000 करोड़ रुपीज़ का कर्ज था एसएल ग्रुप के ऊपर, तो उन ग्रुप के प्रमोटर के जो शेयर है वो उन्होंने अपने कब्जे में लिए और इसकी वजह से वो
कंपनी के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डर बन चुके हैं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी के लिए बने हुए हैं उसके तहत उनके पास वो अभी भी अधिकार नहीं है कि वो ईजीएम बुला सके या ईजीएम बुलाने के लिए हमें फोर्स कर सके। तो इस तरह से क्लियरली उन्होंने मना कर दिया है कि हम ईजीएम नहीं बुलाने वाले। तो इस वजह से माहौल निगेटिव बन चुका है कि लगा कि यस बैंक को एक बहुत बड़ी हार हो गई है, परंतु ये मामला अलग है, इसका यस बैंक से कोई लेना देना नहीं। जो डिश टीवी के अंदर जो इनके जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी मात्र 6% की है, लेकिन यस बैंक की 25% की है। तो इसकी वजह से यस बैंक चाहती है कि उसका जो मैनेजमेंट है उसको बदला जाए, लेकिन डिश टीवी मानने को तैयार नहीं और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब मामला आगे चलेगा, जिसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होगा। तो ये जो न्यूज़ है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और इसकी वजह से निगेटिव माहौल बन चुका है और इसकी वजह से आज बैंकिंग क्षेत्र में तेजी के बावजूद भी यस बैंक में हमें तेजी देखने को नहीं मिली। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, यस बैंक जो ARC बनाने जा रही है उसमें अब 5 फॉरेन इन्वेस्टर आ चुके हैं नए, यानी ये पहले 3 की जो डिटेल आई थी अब 2 उसमें और जुड़ चुके हैं। इस तरह से 5 नए इन्वेस्टर है जो ARC बनाने के लिए इंटरेस्टेड है यस बैंक के साथ में। तो उसमें लॉस एंजल्स बेस्ड जो कंपनी है SHG कैपिटल जो 149 बिलियन लगाने वाली है, और साथ में और जो 15 बिलियन लगाने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट वर्दे पार्टनर की तरफ से लगाए जाएंगे, और दूसरा US बेस्ड जो कंपनी है सेराबस कैपिटल वो 55 बिलियन लगाने वाले हैं, और दूसरी तरफ 156 बिलियन ओक ट्री कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म जेसी फ्लावर लगा सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट डॉलर के अंदर है। इस तरह से ये कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट ले रही है यस बैंक की ARC में, और यस बैंक ARC बनाने जा रही है जिसमें वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे वो दूसरी कंपनियाँ होगी। इसमें 80 से लेकर 85% की जो हिस्सेदारी होगी वो इन कंपनियों की होगी और यस बैंक की मात्र इसमें 15% तक की ही हिस्सेदारी होगी, क्योंकि RBI के जो नियमों के अनुसार यस बैंक इसमें बड़ी स्टेक नहीं ले सकते, क्योंकि उनके जो NPA है वो सारा अब फ्रॉड की श्रेणी में आता है, और इस वजह से पहले भी उनकी जो अप्रूवल जो उनकी तरफ से जो ARC बनाने के लिए जो कोशिश की गई थी तो उसको RBI ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसलिए इस बार वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तहत इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यस बैंक, और बड़ी शेयर होल्डिंग होगी दूसरे इन्वेस्टमेंट फर्म की। तो ये ARC की एक रूपरेखा तैयार हो रही है और बहुत जल्दी ARC बनेगी। ARC अगर बनेगी तो यस बैंक अपने NPA से छुटकारा पा लेगा और फिर पूरी तरह से अपने NPA को क्लियर करके नए सिरे से यस बैंक आगे बढ़ सकती है, और फिर यस बैंक की शेयर में बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना बन जाएगी। तो जल्द से जल्द ये संभावना साकार सपने साकार हो सकता है। एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 75% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 14% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से करीब 86% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें, मतलब लोगों की पसंद बना हुआ स्टॉक। और फ्रेंड्स जो बाज़ार की बात करें तो आज अच्छी खासी बाज़ार में तेजी थी। निफ्टी 50 18,338 पर करीब 0.97% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी, 39,340 पर करीब 1.83% तेजी थी निफ्टी बैंक के अंदर। और निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिली, 2,716 पर करीब 1.74% की शानदार तेजी बनी है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी उतनी ही जबरदस्त तेजी थी, जहाँ पे 20,456 पर करीब 1.70% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख लो, चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक ले लो या PSU बैंक ले लो, सब जगह पे करीब 0.25% की तेजी थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिली। और उसका वजह है निगेटिव न्यूज जो आई है कि यस बैंक ने अपनी जो मांग रखी थी EGM की डिश टीवी के आगे, उन्होंने उसको सिरे से खारिज कर दिया है और इसका ये निगेटिव असर पड़ा है। जबकि जो ARC की तरफ जो उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं उसको न्यूज़ को पूरी तरह से डिस्काउंट कर दिया गया और इस वजह से यहाँ पे हमें तेजी देखने को नहीं मिली। तो फ्रेंड्स फिलहाल एक बार पिवट के माध्यम से जानते हैं कि इसके क्या प्राइस रह सकती है। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.18 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 13.12 का, और जो थर्ड सपोर्ट इसका है वो है 13.03 का। तो फिलहाल गिरावट में स्टॉक अभी भी 13 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 13 का इसको बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.33 पर फर्स्ट टारगेट है, जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.42 का, और जो थर्ड टारगेट है वो है 13.48 का। तो तेजी की तरफ ये स्टॉक जाएगा तो 13.5 के आसपास जा सकता है। फिलहाल इस रेंज बॉन्ड के अंदर स्टॉक फिट है और बहुत जल्दी इस रेंज से निकलना मुश्किल है। Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में ही कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अगर रिजल्ट पिछली बार से भी बहुत अच्छा हुआ तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक फिर 15 के ऊपर क्रॉस कर सकता है। एक बार स्टॉक को 17 के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 17 के ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड करने लगेगा तभी ये बहुत बड़ी
बुलिश जोन में जा सकता है और फिर 20 के पार होने की संभावना बन सकती है। तो लेकिन जब तक ये स्टॉक 13 और 17 के बीच में है तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना हमें बनती नहीं दिखाई दे रही है, और इसीलिए फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट करते रहे, आने वाले 2 साल के बाद डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये हर बार मैं कहता हूँ, आपको निवेश लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही होगा, तभी इसमें आपको बंपर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।